साजिश भी हो सकती है, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो इन चीज़ों को बड़ी गहराई से समझता हूँ, ये तो हिंदुओं की साजिश भी हो सकती है, खुद ही पत्थर फेंकवा के अपने काफिले पर और मुसलमानों के नाम लगाकर दंगे करवा कर ध्रुवीकरण करते हैं वोटों के लिए, ये तो इनका सुनियोजित षड्यंत्र चलता रहता है। उसके बाद एनकाउंटर की खबरें आई, आपने देखा दो लोगों के एनकाउंटर किए। जितने भी असंवैधानिक तरीके हैं वो ये सरकार अपना रही है, हालांकि आदरणीय मोदी जी तो संविधान को चूमते भी हैं, माथे को भी लगाते हैं, लेकिन धरातल पर सारी की सारी असंवैधानिक बातें इस संस्था द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही हैं, और जिसका की विरोध होना चाहिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब एक भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक मंत्री स्टेज से कह सकता है, एक चुनावी रैली में कह सकता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो गोली मारने का क्या मतलब है? संविधान नहीं है क्या इस देश के अंदर? क्या न्यायालय खत्म हो गए इस देश के अंदर? गोली मारो सालों को, किसने इनको ताकत पावर दी कि गोली मारो सालों को? तो ये तो एक सुनियोजित ढंग से पुलिस का भी जो है हिंदुत्वीकरण उत्तर प्रदेश में हो चुका है, इसी वजह से जो है फ्री हैंड दिया जाता है पुलिस को। कुछ समय के लिए दिल्ली में भी दिया गया था, दिल्ली के दंगों में भी पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था, और बाद में हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया एक वीडियो का कि किस प्रकार एक एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को मारने में पुलिस वाले संलिप्त थे, उसका संज्ञान लिया गया है ना। स्पष्ट रूप से संविधान की उल्लंघना हो रही है, बुलडोजर सरकार चल रही है। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर किसका प्रतीक है? बुलडोजर तो आतंकवाद का प्रतीक है, और बुलडोजर जो है तानाशाही का प्रतीक है। बुलडोजर गैर संविधानिक जो ताकतें हैं, जो अपना संविधान के मुताबिक राज नहीं चलाना चाहती हैं, उसका प्रतीक है। तो बुलडोजर सरकार को तो चुनौती देनी है। जो हमारे संविधान को बुलडोजर के जरिए चुनौती दे रहा है, गरीब लोगों के घर तोड़ रहा है, बड़ी मेहनत से एक छोटी सी झोंपड़ी कोई बनाता है, एक छोटा सा कोई घर बनाता है, उसको बुलडोजर भेजकर उसके घर को तोड़वा दो, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। वो बच्चे क्या करेंगे? चोर उचक्के बनेंगे, डकैत बनेंगे, कुछ और क्राइम में संलिप्त होंगे, क्योंकि रहने के लिए जगह तो कोई है नहीं। देयर इज नो बुलडोजर जस्टिस इन द वर्ल्ड। जस्टिस हैज टू कम थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू आवर लॉज, थ्रू आवर रूल्स, रेगुलेशंस एंड द सिस्टम्स। जस्टिस मस्ट कम थ्रू दीज थिंग्स। जस्टिस कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू बुलडोजर। वी आर अगेंस्ट यू। इस समय देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका हिंदुत्वीकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जुडिशरी पर, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आर्मी तक पर भी और पुलिस पर इस तरह के इल्ज़ाम लग चुके हैं, और बड़े सुनियोजित ढंग से सारी संवैधानिक संस्थाओं का हिंदुत्वीकरण किया जा रहा है। चुन चुन कर जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बिठाए जा रहे हैं, और वे पूरे के पूरे सिस्टम को हिंदुत्व की तरफ मोड़ने का कोशिश करते हैं। JNU का उदाहरण आपके सामने है। इस प्रकार JNU को जो एक लेफ्टिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती थी, जहां पर गरीब बच्चों के लिए एक उभरने का मौका था, PhD और बड़े बड़े दूसरे कोर्सेज करने का मौका था, उसको भी एक पूरा एक सुनियोजित तरीके से हिंदुत्वकरण किया जा चुका है, हिंदुत्ववाद की तरफ मोड़ा जा चुका है। कई वहां के महत्वपूर्ण लीडर या युवा लीडर उमर खालिद पिछले 4 साल से जेल में है, तो उसके मानवाधिकारों का क्या? वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है?